आज मऊ जनपद की इकाई समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ जिले के तमाम सामाजिक संगठन, नौजवान कार्यकर्ता, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी लोग एक साथ मिल करके सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त 2024 को निर्णय दिया है, जिसमें एससी एसटी में क्रीमी लेयर की बात की है या उसमें वर्गीकरण की बात की है, उसके विरोध में एक जुलूस अंबेडकर चौक भीटी से होते हुए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक पहुंचा है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया है उसको वापस किया जाए, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी और सरकार बिल ला करके उसको निष्प्रभावी करे, कॉलेजियम सिस्टम जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है उसके जगह पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू की जाए। इस तरह से समाजवादी पार्टी, समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी, देश इस जनपद के सारे संगठन एक साथ मिलकर के आज जुलूस के माध्यम से यहाँ आए हैं। क्या मांग किए हैं आप पत्रक में? हमने पत्रक में लगभग 9 मांगे किए हैं, मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का 1/8/2024 का निर्णय है वो संविधान की मंशा के विपरीत है, इसलिए उसको वापस लिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है तो सरकार पार्लियामेंट में बिल ला करके उसको निष्प्रभावी करे। साथ ही हमने ये मांग किया है कि आरक्षण की व्यवस्था चाहे एससी एसटी का हो या ओबीसी का हो उसको संविधान की नवी सूची में डाला जाए, जिससे कि बार बार छेड़छाड़ न हो सके। इसी तरह से जो अन्य बहुजन समाज को बांटने की रणनीतियां लगातार चल रही हैं, आरक्षण को समाप्त होने को न्याय पालिका का माध्यम बना करके सरकार जो कर रही है उसका पूरी भर्त्सना की गई और उसका हम विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था जिसमें एससी एसटी में क्रीमी लेयर लाने का प्रावधान किया गया था कि एससी एसटी में जो वर्ग आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उनको आरक्षण से वंचित किया जाए। यह जो संविधान की मूल भावना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जिस भावना के साथ बनाया था और संविधान के माध्यम से जो समता का अवसर देने का प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान के प्रतिकूल लगा कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके विपरीत है। इसलिए समाजवादी पार्टी बाबा साहब वाहिनी और समाजवादी पार्टी का मैं स्वयं जिला अध्यक्ष इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि इसको वापस ले, अन्यथा की स्थिति में प्रधानमंत्री जी संसद के भीतर बिल ला करके इस जो यह निर्णय आया है इसको निष्प्रभावी करने का काम, इसको ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से।